देखिए, कल से बंगाल में चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और 2019 के लोकसभा चुनावों के जो नतीजे थे वो बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी और उसी से बीजेपी के हौसले बुलंद हुए और माना यह गया कि 2019 में मतुआ समुदाय ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया था जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब ऐसे में मतुआ मंदिर जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मायने क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जिस समय पीएम मोदी मतुआ मंदिर में होंगे उस समय बंगाल में वोटिंग जारी होगी। बंगाल में करीब 1.5 करोड़ मतुआ वोटर हैं, 1.5 करोड़। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का खासा प्रभाव है, 70 सीटों पर मतुआ समुदाय प्रभावशाली माना जाता है। विधानसभा की 30 सीटों पर सीधा असर डालते हैं मतुआ लोग। 2016 में ममता बनर्जी की जीत में मतुआ समुदाय की बड़ी भूमिका थी। मतुआ समुदाय दरअसल भारत की नागरिकता चाहता है, बीजेपी सीएए के तहत नागरिकता देने का वादा कर चुकी है। तो कुल मिलाकर ये समीकरण जो है वो जानने जरूरी थे और ऐसे में हमें पता चलता है कि आखिर मतुआ समुदाय के सबसे बड़े धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के मायने क्या हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।